होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। नमस्कार, मैं तेज सिन्हा और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश करने वाले मिटकू भगत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी घनश्याम सोनी ने, एवं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तथा विधायक के कार्यों से प्रेरित होकर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया, जो कि कांग्रेस को छोड़ने का भी उन्होंने कारण बताया। आपको बता दें, मिटकू भगत आदिवासी वर्ग के बड़े नेता है। देखिए खास बातचीत। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज के नेतृत्व में सीएम से मुलाकात कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले सामरी क्षेत्र के कद्दावर नेता मिटकू भगत हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। मिटकू जी, सबसे पहले तो आप जो कांग्रेस में प्रवेश किए हैं, क्या मानसिकता बनी कांग्रेस में आने की? सबसे पहले मैं ये बताऊं, हमारे क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज और भूपेश बघेल की सरकार की कार्य करने की जो शैली है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कांग्रेस में किया। मेरे यहाँ के पार्टी कांग्रेस के पार्टी संगठन के अध्यक्ष संकट ब्लॉक के हीरा भाई और सत्य अग्रवाल जी, ये लोग से मैं प्रेरित होते हुए कांग्रेस ग्रहण किया। आपने मुख्यमंत्री के साथ सदस्यता ग्रहण की है, मुख्यमंत्री से आप मिले, किस तरह की समस्याओं से आपने अवगत कराया? हमारे क्षेत्र में विशेष वनांचल क्षेत्र है सामरी विधानसभा। मैं जो इनके कार्य करने की शैली को देख रहा हूँ, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ और मेरे को लगा कि इनके साथ रह के इस क्षेत्र का विकास में सहभागिता निभा सकूँगा। कई लोगों के मन में सवाल है, जो भी आपने छोड़ दिया कि जनता कांग्रेस, वो इनको क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? क्या योगी जी जनता कांग्रेस का पार्टी गठन किए थे, जनता कांग्रेस और कांग्रेस हम तो एक ही समझते हैं आज भी, और कांग्रेस पार्टी ही है, ऐसा सोच के हम योगी जी के साथ रहे थे। आज योगी जी नहीं है और मेरे को पार्टी में थोड़ा अच्छा नहीं लगा और मैं सोचता काम कराने के लिए इस क्षेत्र का विकास कराने के लिए ऐसा सोच के मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। तो ये थे मिटकू भगत, कांग्रेस में अब इनका प्रवेश हो चुका है। आदिवासी वर्ग के लिए भी एक बड़े नेता माने जाते हैं और कांग्रेस में आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस आखिर इन्होंने ज्वाइन क्यों किया है, तो इनके मुख से आपने खुद सुन लिया। और निश्चित तौर पर सामरी में इनके आ जाने से निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है मजबूत हो गई है। बलरामपुर से मीडिया 24 के लिए घनश्याम सोनी। अभी गुटबाजी की जो बात करते हैं विपक्ष के लोग, हमारी कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी होती तो हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरे पार्टी से लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो करते? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और माननीय चिंतामणि महाराज विधायक जी के पहल से उनका कार्यकाल अच्छा है और उनके कार्यक्रम से लोग प्रभावित होकर हमारी कांग्रेस पार्टी में लोग अपना प्रवेश ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा संगठन के रूप में ताकत मिला है और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में संगठन कांग्रेस का बहुत मजबूत हुआ और आदरणीय चिंतामणि महाराज जी का भी हाथ मजबूत हुआ, क्षेत्र में काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और भविष्य में भी हम लोग बहुत मजबूत रहेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा होंगे।